भारतीय क्रिकेट टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर लगातार दो टेस्ट हारना एक बड़ा झटका साबित हुआ है। इस हार ने न केवल टीम के मनोबल को हिला दिया है बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में भारत की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है। इस स्थिति में टीम की कोचिंग कमेटी जिसमें गौतम गंभीर प्रमुख भूमिका में है, उन्होंने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब तक टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम में खिलाड़ियों को वैकल्पिक अभ्यास का विकल्प मिलता था, खासकर सीनियर खिलाड़ी और तेज गेंदबाज इस अभ्यास से दूरी बनाते थे ताकि वे खुद को ताजा रख सके। लेकिन अब इस नियम में बदलाव करते हुए गंभीर ने सभी खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से अभ्यास में शामिल होने का आदेश 1 नवम्बर को मुंबई के वानखेड़े में होने वाली तीसरे टेस्ट से पहले 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिन का सघन अभ्यास होगा जिसमें हर खिलाड़ी को हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, कोई भी इसे टाल नहीं सकता। पूरी टीम को फील्ड पर पसीना बहाना होगा और कोचिंग स्टाफ हर खिलाड़ी की तैयारी और कमजोरी पर बारीकी से नजर रखेगा। गंभीर का मानना है कि भारत के खिलाड़ियों का हालिया प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ चिंताजनक रहा है और हर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में टीम की स्थिति को कमजोर कर सकती है। इस समय भारत शीर्ष पर है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका अंतर कम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ यह आखिरी टेस्ट हर हाल में जीतना है ताकि चैंपियनशिप की रेस में बढ़त बनी रहे। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों में आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करना और उन्हें किसी भी तरह की लापरवाही से दूर रखना है। वानखेड़े टेस्ट में सभी की निगाहें होंगी कि क्या भारतीय टीम इस अनिवार्य अभ्यास सत्र के बाद नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेगी, क्या यह नई तैयारी और सख्त निर्देश भारत को जीत दिला पाएगा।